तो गाइस आज है लास्ट डे, मतलब 12वां दिन है, कल 13 लास्ट डे है। तो कल के लिए तैयारी कर रहे हैं, कल लास्ट हो गए तो कल की जो तैयारी होने वाली है वो आपको साथ साथ में दिखाएंगे। और अभी हम लेके आए हैं राशन, और राशन इतना ज़्यादा महंगा है यहाँ पे, इंडिया से डबल ट्रिपल रेट है मतलब यहाँ के राशन का। बाकी अभी लकड़ियाँ उठा उठा के उधर लेके जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि खाना उधर बनना है पीछे। तो अब आपको तैयारी दिखाते हैं, चलो। तो गाइस आज लास्ट डे है जिसमें वो लोग सो रहे थे इतने दिन, 12 दिन, तो उसको जला रहे हैं वो लोग, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस ये है भाले मुर्गा। बाय गाइस, रात को मैंने सिर दर्द हो रहा था तो मैंने व्लॉगिंग नहीं की, तो अब मैंने गोली खा के मैं ठीक हो गया। गोली मतलब मेडिसिन, दूसरी वाली गोली नहीं। तो यहाँ पे हमने बावर्ची मंगाए हैं, बर्तन धोने के लिए मंगाए हैं, अलग अलग मंगाए हैं बंदे। तो ये भाई को हमने बर्तन धोने के लिए मंगाया है 1000 रुपये में, 1000 नहीं 10000। अच्छा 10000। और ये भाई आज खीर बनाएंगे, ये भाई आज पूड़ी बनाएंगे, और ये भाई क्या, आप क्या करोगे? हम आटा बेलेंगे। ये आटा बेलेंगे। सर आप क्या करोगे? सर मैं बर्तन मांजने के लिए आया हूं। अच्छा, ये किस लिए आया बताओ? अगरबत्ती फूंकने के लिए। ये बर्तन मांजने के लिए। जूठा जो खाया होगा उसको खाने के लिए। हां हां, जो जूठा खा के बचा होगा वो भाई खाएंगे। मैं जूठा बर्तन उठाने के लिए। तो हम सब का काम फिक्स हो चुका है, तो हम आपको पीछे की तैयारी दिखाते हैं। तो गाइस पीछे बन रहा खाना, यहाँ पे है एक खीर, और मे भी एक खीर यहाँ पर सब्जी है। नेक्स्ट सब्जी यहाँ आलू डाल चुके हैं, इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे गोभी। उसके बाद क्या डालेंगे बता? उसके बाद डालेंगे नमक, मिर्च, मिर्च डाल चुके हैं। अच्छा डाल चुके हैं। उसके बाद तो मुझको पता नहीं है, वो खाने के बाद पता लगेगा क्या क्या डाला इसमें, है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे साले ने बड़े टाइम बाद 13-14 दिन बाद कपड़े पहने, अब तो नहीं ठंड लग रही है? तो यहाँ पे अब ये पता नहीं क्यों काट रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्यों काट रहे हैं। सर इसमें मिलाने के लिए, बराबर करने के लिए। आपको एक काटने नहीं, हमने तो बर्तन धोने बुलाया था। वो तो आपको मैंने स्पेशली बुलाया है इंडिया से, हमारे बेना जी को। बेना जी नहीं, जीजा जी। जीजा जी नेपाली में बेना जी है। तो भाई का पैर नहीं पहुँच रहा है फिर भी बाइक चला रहे हैं। सर आपका पैर नहीं पहुँच रहे हैं, सर आपका पैर नहीं पहुंच रहा नीचे। और गाइस गांव की एक चीज बहुत सही लगती है, मतलब कोई बाहर से पेड़ बंदा बुलाने की जरूरत नहीं है, गांव के लोग खुद ही मतलब सारा कुछ खुद ही करते हैं। तो अब ये देखो, ये मेरे साले के फ्रेंड्स हैं, इन्होंने काफी मदद की है यहाँ पे। और ये यहाँ के जीजा जी हैं, वो बड़े जीजा जी, मैं छोटा जीजा जी। और वहाँ पे जो खाना बना रहे हैं वो भी मतलब गांव के ही हैं सारे। और ये देखो राधिका, राधिका ये 10 दिन मैंने पहना, आप 10 दिन आप पहनोगे क्या? ये इसमें जुए पड़ गए थे, ये मैंने इतने दिन पहना, अब ये भी पहन के घूम लिया, बताओ। ये देखना क्या करूँ इसका, रख दो। क्यों, आपका हाथ नहीं है यार, रख दो ना। ले ले ये देख लो भाई, लड़कियाँ जैसे आपने देखा पूरा गांव काम कर रहा है, लेकिन मेरी बीवी देखो इधर कभी उधर बस टहली रही है। मैं ऑर्डर दे रही हूँ, ये सामान इधर ले आओ, ये सामान उधर ले आओ। ऑर्डर नहीं देना, काम करना है यहाँ पे। काम बच्चे के साथ कैसे काम करूँगी? ये भी मुश्किल है वैसे। गाइस अब उन्होंने कपड़े भी पहन लिए हैं, और उन्होंने अब खाना भी खा लिया है, और उन्होंने चूड़ियाँ भी पहनी है ना,
मतलब इनके मम्मा ने चूड़ियाँ भी पहनाते हैं शायद चूड़ियाँ। वो ये होता है कि मम्मी के मायके वाले जो आज के दिन जो पहनाएंगे ना वो पहन सकते, अगर वो नहीं पहनाएंगे तो वो कभी पूरी लाइफ में नहीं पहन सकते। इसलिए मतलब जो उनके मायके वालों ने दिया चूड़ियाँ बिंदिया जो आज पहनाएंगे वो पूरी मतलब अब आगे लाइफ में पहन सकते हैं। तो मैं आपको क्लिप्स ऐड कर देता हूँ जिसमें वो खाना खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं बहुत दिन बाद और चूड़ियाँ पहन रहे हैं। तो गाइस फाइनली इन्होंने 13 डेज बाद खाया। तो 13 डेज बाद आपको बताइए अचानक नमक छोड़ के अचानक नमक खाओ ना तो भी मतलब वीकनेस है कि चक्कर आने लग जाते हैं। तो वैसे ही तीनों को हो रहा है, अभी चक्कर आ रहे हैं थोड़ी देर। बाकी जो हमारा खाना है वो अलग बना हुआ है पीछे, और जो इन लोगों का खाना है वो जैसे मम्मा है ना मम्मा के घर से आया है उनका खाना, तो उनके मम्मा के दीदी और भाइयों ने लेके आए हैं खाना, तो उन्होंने वो खाया है सबने, और हमने पीछे जो बना है हमने वो खाया है। मतलब ये रिचुअल होता है कि उनका अलग से खाना बनता है। जो जो गाइस घाट पे गए थे तो उनको यहाँ पे टीका लगा के शगुन दिया जाता है, तो वो वाला रस्म कर रहे हैं अभी। ये लोग हाँ जी मैडम, इतने दिन बाद कपड़े पहन के कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा है। आपने तो अपने पति के कपड़े पहन लिए, पति कितनी याद आ रही थी? ए हमारी ये कहाँ है आपकी, ये तो पति की आपके उधर देखो पति के आपने पहने मैंने पति का पहना है, सुन लो इसकी बात। सो गाइस मैक्सिमम रिचुअल जो है वो आज के ख़त्म हो चुके हैं, अब लास्ट रह गया जो चेली बेटी थे मतलब उनके क्लोज रिश्तेदार हैं, उनका मेन खाना जो है वो है रात को। और जो चेली बेटी है उनको उन्होंने जितना अमाउंट आपको मैंने बोला था दिए थे, जिन्होंने 500 दिए थे चीनी चावल वो दिया था, तो वो वाली अमाउंट उनको वापस करनी है, वो रात को होगा, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करूँगा। ये रिचुअल जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा मुझे, मैं यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया, आप लोगों ने भी दो तीन वीडियो देखी, कई कमेंट आए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इंसान ने बनाया रिचुअल, ये सही बात है। एक जो मैरिज होती है उससे भी ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि मैरिज में हम अपने हिसाब से कर सकते हैं क्या हमने लोगों को खिलाना है क्या नहीं, बट इसमें हम लोग अपने हिसाब से नहीं कर सकते, इसमें जो है वो करना ही पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा मेरे को। तो अभी के लिए हम व्लॉग को इतने रखते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको भी इस रिचुअल के बारे में पता था तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और जो जो नेपाल से हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना और अपनी जगह का नाम लिखना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।